बहुत ही अच्छा कारनामा किया है अबू ने। दाद देनी चाहिए इनकी गेंदबाजी की। थैंक यू सर, थैंक यू। तो लड़ते हैं मुकाबले में, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा जयेश गांवकर जी से। वन फॉर द ओवर, नेक्स्ट डिलीवरी। दिस टाइम व्हाट अ शॉट देयर बाय सिद्धू, योर सिक्स स्कोर पे कितने आले भाई। व्हाट अ शॉट बाय सिद्धू दिस टाइम, ओवर पीस डिलीवरी बाय संदेश एंड स्कोर मूव्स ऑन टू 12। तो चौथा मुकाबला आज के दिन का खेला जाता हुआ इस खूबसूरत मैदान में, गेंदबाज है संदेश। अगली गेंद इस बार दिशाहीन गेंद, इस बार वाइड का निर्णय आता हुआ अंपायर का, वाइड के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन बगैर कोई नुकसान के रेगो ब्रदर्स का। अगली गेंद बढ़िया गेंद, इस बार मिस हो गए वहां पर सिद्धेश और कोई रन नहीं मिलेगा। विकेट कीपर रुपेश वहां पर गेंद को गैदर करते हुए, स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन बगैर कोई नुकसान के रेगो ब्रदर्स का, जो कि टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही हैं इस खूबसूरत मैदान में। अगली गेंद बढ़िया गेंद, इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई, उसको मोड़ा है वहां पर सिद्धेश ने, एक रन जरूर मिलेगा वहां पर दौड़कर, स्कोर पहुंचता हुआ 14। बहुत अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली हुई थी। अगली गेंद संदेश की, सामने है गौरीश जो कि बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं रेगो ब्रदर्स के लिए इस बार खेलने आते हुए। गौरीश वीपीएल में भी उनका जलवा हम देख चुके हैं, स्वयं रिमिक्स के लिए वो खेलने आए थे वीपीएल में। अगली गेंद इस बार बढ़िया गेंद, इस बार गति से बीट हो गए गौरेश, उठाकर खेलना चाहते थे बल्ले पर गेंद आई नहीं, विकेट कीपर बाकी का काम करते हुए। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ, एक ओवर के बाद 14 रन बगैर कोई नुकसान के रेगो ब्रदर्स। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूलाच्या ग्राउंडार जो 70 प्रीमियर लीगाचो थर्ड सीजन चाललेलो आसा, या ग्राउंडार आमी वेगवेगळे टुर्नामेंट पळयले, व्हीपीएल पळयलो, एसपीएल पळयलो। हो ब्युटिफूल ग्राउंड आमकां अवेलेबल करून दिल्लो आसा फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हेंचे, आणि आयत आमचे भाग्य आमचे मध्ये उपस्थित असा फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूलचे प्रिंसिपल हेब्बाळकर सर। आय रिक्वेस्ट सिद्धू टू प्लीज वेलकम देम विथ अ फ्लावर ऑफ, प्लीज लाउड अप्लॉज फॉर सर बिकॉज ही इज मेकिंग दिस अवेलेबल ग्राउंड फॉर अस। थँक यू सर, इट्स अ प्लेजर टू हॅव यू अमॉंग अस। तसेच आमच्यामध्ये उपस्थित असा वाळपय म्युनिसिपल कौन्सिलचे चेअरपर्सन अख्तर शाह। हांव परत सिद्धू कडेन मागता की फ्लावर दिवन तेंचे हांगा स्वागत करचें। तुमचें स्वागत आसा सर, सदांच तुमचो तुमचो आमकां हांगा हातभर आसता। आमचे एक्स कावंसिलर शराफत खान भाई हांगा आमच्या मदीं उपस्थित आसा, हांव सिद्धू कडेन परत एकदां मागता शराफत भाईचें हांगा स्वागत करचें। थँक्यू, तुमचो खेळा बद्दलचो उमेद प्रत्येक फावटी आमकां पळोवंक मेळटा अशी ती वाडत रावची। थँक्यू सिद्धू। तो दौड़कर 3 रन निकाले वहां पर सिद्धेश ने, हम को चेयरपर्सन म्हणू शकता आम्ही, नाल्या सगळो सेक्रेटरी ऑर्गनिक सेक्रेटरी म्हणू शकता। सिद्धू सदांच हांगा वाळपयन स्पोर्ट्सा खातीर त्याचे हातभर असता, त्याचे हार्डवर्क असता। हांव मनसूर कडेन मागता त्याने सिद्धूचे हांगा स्वागत करचे। थँक्यू सिद्धू। It's a white ball and score moves on to 18. We are in the second over. Shankar with the ball. This time good delivery, trying for the best but just a single. With this single, score moves on to 19 with the loss, without losing a wicket. Very good start there by Rego Brothers. Both the opener Siddesh and Gaurej are doing very well. They're searching for 1-1 single double runs, not hitting big sixes. Next delivery, Shankar once again with the ball.
This time good delivery, chance for the corner, Rupe doesn't mistake, he's taken a very good catch. And Siddesh, the man dismissed. Rego Brothers losing his first wicket, with score remain on 18-1. So big blow there, good delivery by Shankar to pick up Sidhu very early. So 18-1, Rego Brothers. And it's only break. New man in the crease. He's Sachin, I think, the new batsman. He's a left-hander. Score is 19-1. We are in the second over. Sachin, the new batsman in the crease, the left-hander. He's known for Dawu. He's an excellent cricketer in tennis ball. Next delivery by Shankar. Short pitch delivery. Doesn't get right by the batsman, missing, and white ball signal by the umpire. With this white ball, we score most of the 20. 20 with the loss of one wicket, wicket of Sidhu. Next delivery by Shankar. This time right into the block hole. Very nicely played there by Sachin. Just a single, guides the ball very well. With this single, we score most of the 21. Next delivery by Shankar. Shankar to Gaurish on strike. Gaurish is a very excellent all-rounder. I can watch this man videos in YouTube very well. Next delivery by Shankar to Gaurish. And what a shot there by Gaurish. Excellent place. Youth 6. With this 6, we score more than 2. 20. 7. 27. Excellent timing there by Gaurish. This time full touch delivery by Shankar and very well pick up by Gaurish. So next delivery by Shankar. This time full touch delivery and another punishment. Excellent batting there. Score is 33. So two ball, two consecutive sixes hit by Gaurish, and with these sixes we'll score moves on to 33-1. After this match will be played between Arya Durga, cricketers Walboy and Friends 11. I request both the captains to be here for the toss at the end of the first inning. Arya Durga, cricketers Walboy and Friends 11 Walboy. So two overs samapt ho gaye hain aur 33 run scoreboard pe lag chuka hai Rego Brothers ka. जो कि टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई इस खूबसूरत मैदान में. तो तीसरा ओवर करने के लिए चंदन गेंदबाजी के मोर्चे पर, स्ट्राइक पर हैं सचिन जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. चंदन जो कि हरमन वाले खिलाड़ी हैं सीजे ब्रदर्स के लिए. पहली गेंद, बढ़िया गेंद, गति से बीट किया वहां पर, रनआउट का मौका. ओ क्या ये डायरेक्ट हिट है और आउट, रन आउट. बहुत अच्छी कोशिश रुपेश के द्वारा, बिल्कुल सही काम करते हुए. थर्ड सीजन एसपीएल प्रत्येक टीमीतल्यान 15 प्लेयर रजिस्टर केले गेले आणि आमचं एक असो डिसिजन असले की प्रत्येक प्लेयरला खेळपाक मिळायचे. सो आमचं एक रूल असलो की लीग मॅचीन प्रत्येक टीमीन एक तरी न्यू प्लेयर घेऊपाचो आणि त्या प्लेयराक बॅटिंग नाही बॉलिंग क्रिकेट देऊ जाय. असे तरुण 15 प्लेयर ह्या टुर्नामेंटात खेळू शकता, आपल्या टीमीन फक्त एक्स्ट्रा प्लेयर म्हणून ना सहभाग दाखवू शकता. सो असे आणि आमच्याकडे रूल असा की जर या कंडिशनात खयचे कोण टीम फेल जाता जाल्यार ती मॅचीचो रिझल्ट त्यांच्या अपोजिट साईडनी वाचू शकता. सो कॅप्टन्स ओ टी स्टार प्लेयर आयकॉन प्लेयर यांच्यानी ह्या रुलाचं नोंद घेऊची आणि दे हॅव टू ॲक्ट अकॉर्डिंगली. थँक्यू. सो 33 विथ द लॉस ऑफ सेकंड विकेट, रन आउट. Next delivery this time, good delivery there by Chandan, but down the off and white ball signal by the umpire. With this white ball, the score moves on to 34. Gaurish, the man on strike. Chandan with the ball. Good delivery and good shot. It's punishment. Yes, it's a punishment. U6 with the bat of Gaurish. Score moves on to 40 runs. It's not a good delivery this time by Chandan. And well prediction shot there by Gaurish. Score is 40, Rego Brothers.
Next delivery. This time short pitch delivery. And it's punishment once again by Govrish. With this six, score moves on to 46. तो दो गेंदों में दो छक्के लगे हैं इस अभी तक इस ओवर में. बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं गोवरेश और स्कोर पहुंचता हुआ 46 रन दो विकेट के नुकसान पर रेगो ब्रदर्स का जो कि टॉस हारे हैं. नॉन स्ट्राइक पर हैं कप्तान है मोहम्मद रेगो ब्रदर्स के नॉन स्ट्राइक इस बार संभालते हुए. अगली गेंद चंदन की. ओ गोवरेश का प्रयास इस बार असफल हुए वहां पर. आड़ा बल्ला घुमाया था वहां पर गौरीश ने. कोई रन नहीं. बढ़िया की वापसी चंदन के द्वारा. तो 46 रन दो विकेट के नुकसान पर ये तीसरा ओवर चलता हुआ. अगली गेंद चंदन की शॉर्ट पिच गेंद दिशा से भटके इस बार वाइड का निर्णय आता हुआ. 47 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर. रेगो ब्रदर्स का दो विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद बढ़िया शॉट वहां पर गौरीश के द्वारा. बहुत अच्छी फील्डिंग सचित की. और एक रन मिलेगा. 48 रन पे पहुंचता हुआ स्कोर रेगो ब्रदर्स का. स्ट्राइक पर है बड़े छक्के लगाने वाले मोहम्मद. बड़े बड़े छक्के लगाते हैं जब उनका बल्ला बोलता है. खतरों के खिलाड़ी भी माने जाते हैं. इस बार कामयाब लेकिन वो बाउंड्री लाइन पे लपके गए. वहां पर बढ़िया शॉट लगाया था मोहम्मद ने. लग रहा था कि बाहर जाएगी लेकिन सीधा हाथ में गई. संदेश वहां पर कैच पकड़ते हुए और वापस जाना होगा मोहम्मद को. तीसरा झटका लगता हुआ रेगो ब्रदर्स को 48 के स्कोर पर. तो मोहम्मद के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए मंगलदास. बढ़िया बल्लेबाज है. अटैकिंग बल्लेबाज हैं मंगलदास. तीन ओवर के बाद 48 रन तीन विकेट के नुकसान पर. रेगो ब्रदर्स का गेंदबाज हैं पंकेश जो कि चौथा ओवर करते हुए. बहुत ही लाजवाब गेंदबाज पंकेश की पहली गेंद. सामने है गोवरेश. बढ़िया गेंद इस बार बीड हो गए गोवरेश का. बल्ला आड़ा जरूर आया था वहां पर लेकिन बढ़िया वापसी वहां पर पंकेश के द्वारा. स्कोर 48 रन तीन विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद इस बार पंकेश की. फुल टच गेंद लेकिन गौरेश के ऊपर टाइम नहीं लेकिन गैप में जरूर निकालने में कामयाब. गेंद को चार रन. मिसफील्ड वहां पर. स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन. फुल टच गेंद थी वहां पर लेकिन बिल्कुल सही भाप लिया था वहां पर गौरेश ने. और गौरेश बढ़िया कार्य कर रहे हैं आज बल्ले से. स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन. रेगो ब्रदर्स का अगली गेंद. बढ़िया गेंद बीट हो गई वहां पर. चकित रह गए. बल्ला आड़ा जरूर घुमाया था वहां पर. ये चौथा मुकाबला चलता हुआ आज के दिन में इस 70 प्रीमियर लीग सीजन 3 का. अगली गेंद बढ़िया शॉट. कोई चारा नहीं. 6 रन. स्कोर पहुंचता हुआ 58 58 रन पे पहुंचता हुआ स्कोर. पंकेश की शॉर्ट पिच गेंद और गौरेश क्या कार्य करते हुए. बढ़िया बल्लेबाजी गौरेश के द्वारा. जानते हैं कि सीजे ब्रदर्स के पास बढ़िया बल्लेबाजी हैं इसीलिए एक बड़ा स्कोर रचा जाए. रेगो ब्रदर्स चाहेंगे कि एक बड़ा स्कोर हो. अगली गेंद बढ़िया शॉट जरूर था लेकिन टाइम नहीं हुआ वहां पर. फॉलो थ्रू में पंकेश ने गेंद को फील्ड किया. स्कोर बोर्ड 58 रन पे पहुंचता हुआ रेगो ब्रदर्स का. अगली गेंद इस बार स्ट्राइक पर फिर से गौरेश जिन्होंने बल्ले से धमाल किया है अभी तक. अक्सर जाने जाते हैं ऑल राउंडर में. ओ इस बार बल्ले का किनारा लगकर सीधा रूपेश के झोली में गेंद जाती हुई. और एक और चौथा झटका लगता हुआ रेगो ब्रदर्स के लिए. ये चौथा ओवर मेरे को लगता है कि समाप्त हुआ. चार ओवर के बाद 58 रन चार विकेट के नुकसान पर. पांचवा ओवर करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर चैतन्य
तो चार ओवर हुए समाप्त, स्कोर बोर्ड 58, चार विकेट के नुकसान पर रेगो ब्रदर्स का। हालांकि सीजे ब्रदर्स जो कि पहला ही सुबह सुबह 17 में हारे हैं फ्रेंड्स 11 से, क्या उनकी वापसी होगी देखने में दिलचस्प रहेगा। पहली गेंद चैतन्य की, बहुत अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा संपर्क, अच्छा शॉट वहां पर बल्लेबाज मंगलदास का, छक्का, छक्के के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 64। चैतन्य फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर, हालांकि बढ़िया गेंदबाज हैं, हर मुकाबले अहम है, हर टीमों के पास मौका है जीतने का। अगली गेंद, बढ़िया शॉट वहां पर, अंदरराइट शॉट था वहां पर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज मंगलदास, स्कोर पहुंचता हुआ 65 रन, चार विकेट के नुकसान पर, बचे हैं चार गेंदें, स्ट्राइक पर आ गए हैं अब सर्वेश, स्ट्राइक करते हुए बढ़िया शॉट वहां पर, टाइम नहीं कर पाए, एक रन मिलेगा, 67 रन पे पहुंचता हुआ उसको 66 स्कोर पहुंचता हुआ। अगली गेंद, इस बार उल्टा गेंद उड़ाया था लेकिन वहां पर टाइम नहीं कर पाए, जब तक गेंद को सचित ने गेंद को फील किया काफी तेजी से दूरी, और एक रन मिलता हुआ 67 रन पे स्कोर पहुंचता हुआ। केवल बची है केवल कप, कुछ गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। अगली गेंद बढ़िया शॉट, एक रन मिलेगा, काफी तेजी से दिखते हुए, फिर से स्फूर्तिले दिखते हुए वहां पर सचित भाई, और बिल्कुल अच्छा कार्य करते हुए एक रन मिलता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 68 रन। अच्छी गेंदबाजी चैतन्य के द्वारा छक्का खाने के बाद। अगली गेंद, बहुत अच्छी फुल टॉस गेंद, 6 रन सीधे बल्ले से, मंगलदास के बल्ले से स्कोर पहुंचता हुआ 74। जीतने के लिए 75 रन चाहिए सीजे ब्रदर्स को, 75 रिक्वायर्ड इन 30 बॉल्स। मैं धन्यवाद कहूंगा कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल को, क्योंकि यहां पर खेलने के लिए बहुत बढ़िया ग्राउंड उन्होंने दिया है खिलाड़ियों के लिए। तो 75 रन का पीछा करने के लिए क्या सीजे ब्रदर्स इस बार बाजी मारेगी या रेगो ब्रदर्स गेंद से कमाल करती है, देखने में दिलचस्प रहेगा। और चलते हैं महादेव भाई के पास रन चेस में, जीतने के लिए बनाने होंगे 75। थैंक यू डीजे, डीजे थैंक यू। हंगसर जमले सगले प्रेक्षकांक एक रिक्वेस्ट आसा, मात्शी हंगसर लक्ष दिया। हाँ, कोणाची चावी आमकां पडलेली मेळ्ळ्या बायकाची, जेची कोणाची चावी शेणला पळय तेणी कॉमेंट्री बॉक्सान रिपोर्ट करचो। करता हंगसर आमकां चावी कोणाची पडलेली मेळ्ळ्या, प्लीज कोणी आसा तेंच्यानी रिपोर्ट करचो। आमची मॅच पळोवपाक, लीग पळोवपाक आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा वाळपय, न्यूली ओपन जावले जावपाचे आहा ते अंतरा ज्वेलर्साचे ओनर अवधूत रायकर सर त्यांच्या वांगडा उपस्थित आसा, जितू काटकर, धर्मेंद्र साळुंके, उदय सावंत, रुपेश दाते, सिद्धू साळुंके, रामदास शिरोडकर आमचे काउन्सिलर। हांव मागता सिद्धू कडे, हांव मागता सिद्धू कडे की त्यांनी आमचे आयचे गेस्ट आसा अवधूत रायकर सर हांकां पुष्पगुच्छ दिवन त्यांचे स्वागत करचे। सिद्धू प्रवीणा कडेन मागता, प्रवीण 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 फातर्फेकर, प्रवीण फातर्फेकर मात्र येवचो, बेगीन येवचो। रायकर सर तुमचे हांगा स्वागत आसा, तुमचो हातभार आमकां असो सदांच आसचो, आनी तुमकां ऑल द बेस्ट तुमच्या न्यू वेंचरा खातीर। लाउड अप्लॉज फॉर तसेच आमच्या मध्ये उपस्थित असा जितू काटकर,
शेजीर घेतला मारे यूट्यूब सिद्धू कडे मागतात आणि जितू काटकर यांचे स्वागत करचे आमचे काउन्सिलर आमचे काउन्सिलर आणि आमचे बरे क्रिकेट प्लेयर रामदास शेडूळकर हे हांगा असा यांचे हांगा स्वागत करचे दौलत एंटरप्रायझेसचे ओनर रुपेश दातिये यांचे सिद्धू हांगा स्वागत करचे हांगा धर्मेंद्र साळुंके असा जे जाऊन असा टीम ओनर ऑफ आर्यदुर्गा क्रिकेटर यांचे हांगा स्वागत करचे सिद्धू प्लीज आमचे सिनियर रिपोर्टर उदय सावंत हांगा उपस्थित असा त्यांचे हांगा स्वागत करचे सत्तरी प्रिमियर लिगाच्या थर्ड सिजनाक जे ट्रॉफी प्रायजा बी हांगा भरपूर दवरलेले आसा तसले सेकेंड प्रायज दिल्ले आसा आमकां अवधूत रायकर हांणी ते जावन आसा अंतरा ज्वेलर्साचे ओनर जे हांगा वाळपय ओपनींग जावपाचे आसा तेंचे नेक्स्ट टू मारुती टेंपल सो हांव तेंच्या कडेन मागता की तेणी मातशें आमच्या प्रेजेंटेशन बोर्डाचेर येवपाचे आनी जो चेक आसा सेकेंड प्रायजाचो चेकाचेर तेंची हांगा तेंचे सगळ्या फुड्यान सायन जातली We can see owner signing the runner sub check. Thank you, sir. Praveen. Please capture these memories. This will be remembered forever. आमचे ऑफिशियला कडेन मागता की तेंचे बेगीन ग्रावंडार वचचे तुमकां हांगा प्लेयर रावला मॅच ऑफिशियल जावन आसा रामकृष्ण इब्रामबुकर बाबा अँड नितीन पोकळे भाऊ ऑन टू द कॉमेंट्रेटर्स थँक्यू सनी भाई परत आणि एक आमच्या प्रेक्षकांक रिक्वेस्ट आसा ज्यांच्यानी पेट्रोल पंपा समोर गाडयो आपल्यो पार्क केल्ल्यो आसा पळय थंयसर ट्रॅफिक जाम जाता जे कडेन लायलेले आसा ते मातशे ट्रॅफिक क्लियर करचे प्लीज एक तुमकां हंबल रिक्वेस्ट आसा आमचे प्रेक्षक जे मॅच पळोवपाक गेल्या तेंच्यांनी कोणी पेट्रोल पंपा फुडल्यान गाडयो लायल्या मातशे ट्रॅफिक एक प्रॉब्लम जाता मातशी ट्रॅफिक क्लियर करची आपली गाडी सायडीक काढून थँक्यू थँक्यू डी जे तो बनते है SPL 3 में यहाँ पर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के खूबसूरत मैदान में SPL 70 प्रीमियर लीग एडिशन 3 हो रही है और हमारे बीच यूट्यूब पर बने हुए हैं निहाल और शिवम जो आपको इस मैच का इस बार पहली बॉल और स्वागत किया है यहाँ पर शंकर ने तो इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आपको यूट्यूब के जरिए आपके तरफ पहुँचाने का काम कर रही है हमारी टीम गोवा लाइव कास्ट गौरेश जो कि बॉलिंग मार्क पर ओपनिंग गेंदबाज रेगो की ओर से ओह बीट कर दिया शंकर को गेंद जा रहे फाइन लेग की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर छक्का खाने के बाद बाइक का इशारा करते हुए एम्पायर बिल्कुल अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज गौरेश द्वारा एक रन जरूर मिलेगा सामने है चंदन पहली गेंद चंदन को और चंदन ने कर दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर वंदनीय शॉट चंदन का फिलहाल शंकर ने जड़ा एक छक्का चंदन ने जड़ा एक छक्का इसी की बदौलत टोटल स्कोर इस वक्त होता हुआ 13 रन तो अगली गेंद यहां पर टॉस जीता है आर्य दुर्गा में अगली मैच won the toss and decided to field first
फ्रेंड्स 11 और आर्य दुर्गा के बीच में अगला मुकाबला। इसी बीच यहां पर विकेट गिरता हुआ चंदन के रूप में क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए, तो पहली सफलता आखिरकार लेने में कामयाब गेंदबाज, बिल्कुल सही दिशा में अभी तक गेंदबाजी की है गेंदबाज ने, बिल्कुल एक विकेट गौरेश को इस बार मिलता हुआ। हालांकि दो छक्के जरूर लगे थे उनकी ओवर में, फिलहाल कुछ गेंदें पहले ओवर की अभी भी बाकी हैं, तो नए बल्लेबाज सीजे ब्रदर्स की ओर से रुपेश, बिल्कुल उम्दा खिलाड़ी सीजे ब्रदर की ओर से शंकर है नॉन स्ट्राइक पर, रुपेश जो कि अभी अभी आए हैं फिलहाल स्ट्राइक संभालेंगे, और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से गौरेश। इस बार हल्का सा प्लेसमेंट, बिल्कुल धीमे हाथों से खेलने का प्रयास किया था यहां पर रुपेश ने, बाई का इशारा, एक रन जरूर मिलेगा, 14 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर, बिल्कुल एक सम्मानजनक तरीके से खेलने का प्रयास, बिल्कुल एक याद दिलाते हुए हमारे महान द ग्रेट ऑफ ऑल राहुल द्रविड़ की, बिल्कुल इसी तरह का शॉट खेलने का उनका प्रयास था, बिल्कुल चूके उस शॉट में। स्ट्राइक पर शंकर, बिल्कुल पॉइंट की फाइन लेग की दिशा में गई है गेंद, अच्छी तरह फील्ड करते हुए एक रन देने से नहीं रोक पाएंगे, फिलहाल गौरेश की अहम ओवर यहां पर समाप्त होती हुई। टोटल स्कोर एक ओवर समाप्ति के बाद 15 रन, जिस तरह का रन रेट की औसत उनको दी गई थी बिल्कुल उसी तरह की रन रेट, प्रति ओवर 15 रन की आवश्यकता अगर ये मैच सीजे ब्रदर्स को जीतना है तो। फिलहाल एक ओवर बीत चुका है और बचे हुए 4 ओवर में उनको इसी तरह की रन रेट कायम रखनी होगी, तभी तो वो जीत के करीब पहुंच सकते हैं। नए गेंदबाज समीर उर्फ गुंडू, बिल्कुल SPL में हम इनका कमाल देख चुके हैं, VPL में भी इनका कमाल देख चुके हैं, एक भरोसेमंद खिलाड़ी, नौजवान और युवा खिलाड़ी इस वक्त हमारे सामने गेंदबाजी के मोर्चे पर। समीर, समीर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है मिड विकेट की सर की ऊपर से, 6 रन TJ। थैंक यू DJ। तो बिल्कुल इस मैच का आनंद उठाते हुए हमारे बगल में बैठे हुए सभी सम्माननीय अतिथि जानते हैं, एक बड़ी प्रतियोगिता 2020 साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इस वक्त खेली जा रही है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में। इस बार धीमे हाथों से खेला, सम्मानजनक तरीके से साथ खेलते हुए गेंद को एक रन के लिए, बिल्कुल इस बार स्ट्राइक रोटेट हो चुके हैं। फिलहाल स्ट्राइक पर रुपेश, जिन्होंने अपना खाता तो जरूर खोला है, उठाकर खेलने का प्रयास, अपने ही फॉलो थ्रू में कैच लेने का प्रयास किया था समीर इमरामपुर करने, लेकिन थोड़े से चूके, गेंद की रफ्तार बहुत तेज थी इसी कारण गेंद को पकड़ नहीं पाए, अन्यथा यहां पर विकेट गिरने के आसार थे। बिल्कुल सही सोच इस वक्त अपनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज जो कि आक्रामक रूप में इस वक्त शंकर उभरते हुए, फिलहाल रन लेने का कोई मौका नहीं, मिड ऑन लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में यहां पर गेंद फील्ड होती हुई, जब तक कि गेंद फील्ड होकर वापस आती रन लेने का दोनों ही बल्लेबाजों ने प्रयास नहीं किया। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर संदेश समीर इमरामपुरकर, इस बार उठाकर खेला है, इस बार मौका मिलेगा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर से गेंद, 6 रन। थैंक यू DJ। तो इसी शक्के की मदद से टोटल स्कोर 29, बिल्कुल सही ट्रैक अभी तक पहना है शंकर ने, एक बार फिर से इस बार मिड विकेट की सर के ऊपर से 6 रन DJ। थैंक यू DJ। तो इस चक्के की मदद से टोटल स्कोर इस वक्त होता हुआ 35 रन, जिस तरह का रन रेट चाहिए था पर ओवर उससे कोसों दूर जाती हुई
सीजे ब्रदर्स की टीम। अब तक देखा जाए तो दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है और दो ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 35 एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज चंदन, जिन्होंने अपनी टीम के लिए सिर्फ 6 रनों का योगदान दिया है, लेकिन उनकी कमी को यहां पर भरते हुए दोनों ही पर काफी तेज। हो नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। पहली गेंद नो बॉल करार दिया एम्पायर रामाकृष्णा ने। तो इस बार थोड़े से अचंभित, थोड़े से सोचने पर मजबूर किया है यहां पर मोहम्मद को, जो कि तीसरा ओवर कर रहे हैं। रेगो की ओर से कप्तान है मोहम्मद। बिल्कुल एक नबी तुले गेंदबाज जाने जाते हैं अक्सर विकेट लेने में। इस बार मौका मिला। शॉर्ट पिच गेंद को पहुंचाते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन। डीजे थैंक यू डीजे। बढ़ते हैं मुकाबले में। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर मोहम्मद। एक और बड़ी हिट शंकर के बल्ले से, एक बार एक और छक्का लगता हुआ। तो 49 रन 49 लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। इस वक्त पीछा कर रही है 75 रनों का। फिलहाल तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। गेंदबाज है मोहम्मद। अभी तक इन्होंने 2 छक्के अपनी गेंदबाजी में दिए हैं, तो शंकर की यहाँ पर दाद देनी चाहिए। बिल्कुल कप्तानी पारी यहाँ पर खेलते हुए, जानते हैं जीत कितनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इस बार उठाकर खेला है पॉइंट की दिशा में गेंद, अच्छी फील्डिंग, ओहो खराब फील्डिंग, और चौवे के लिए गेंद जाती हुई सीमा पार 4 रन। डीजे थैंक यू डीजे। तो 53 रन अब तक बना पाई है सीजे ब्रदर्स, और दाद देनी चाहिए उनके कप्तान शंकर की, जिन्होंने एक लाजवाब इनिंग की शुरुआत की है यहाँ पर। एक बार फिर से बल्ले का संपर्क थोड़ा सा धुंधला यहाँ पर होता हुआ, बिल्कुल संपर्क में ना ये गेंद। अगर इनके रडार में यहाँ पर गेंद आ जाती तो छक्का या चौवा जरूर निकलता। फिर भी चतुर दिमाग से डाली हुई गेंद मोहम्मद ने। बिल्कुल इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता अगर मैच में वापसी करनी है तो। इस बार उठाकर खेला है, कैच होने की संभावना, और महान बल्लेबाज जो कि शंकर इस वक्त आउट होते हुए कप्तानी पारी का आगाज कर रहे थे और आखिरकार मोहम्मद के जाल में फंसते हुए। तो यहाँ पर मैं अर्थन पॉट के सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप जल्द से जल्द खाना खाकर आइएगा इन आदित्य रेस्टोरेंट में। कूपन आपको दिए हुए हैं, तो तुरंत खाना खाकर तुरंत संपर्क करें मैदान में। तो टोटल स्कोर इस वक्त होता हुआ 53 रन और 22 रनों की आवश्यकता। ये मैच सीजे ब्रदर्स को जीतना है तो 22 रनों की और आवश्यकता। फिलहाल स्कोर बोर्ड रुका हुआ 53 रन पर। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर लाया गया है खलीम।
कलीम को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। कप्तान मोहम्मद ने एक अच्छा विचार, अच्छी सोच बनाकर लाया उतारा गया है गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद कलीम की स्ट्राइक पर है। नए बल्लेबाज ओंकार इस बार हवा में खेली हुई शॉट, बिल्डर नीचे मौजूद, कैच होने की संभावना और पहली गेंद पर सफलता ली है यहां पर कलीम ने। दाद देनी चाहिए उनके गेंदबाजी की, बिल्कुल बांध के रखा है था बल्लेबाज को, मौका ढूंढ रहे थे बड़ी हिट लगाने का, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह चुके वहां पर और एक विकेट और गिरता हुआ ओंकार के रूप में। फिलहाल ओंकार ने अपना खाता नहीं खोला, बिना खाता खोले वापस लौटते हुए ओंकार डीजे। अभी भी स्कोर बोर्ड रुका हुआ 53 रन पर। नॉन स्ट्राइक पर रोहन इस बार उठाकर खेला, कैच होने की संभावना, वन बाउंस गेंद को रोका। अगर थोड़े से आगे आते तो एक और विकेट गिरने के आसार यहां पर होते। नए बल्लेबाज रोहन जिनका अभी अभी आगमन हुआ है मैदान में, देखते हैं इनसे उम्मीदें बनी हुई है सीजे ब्रदर्स की। इस बार यॉर्कर लाइन गेन और गेन जाते हुए सीमा रेखा पार चौवे के लिए। बिल्कुल थर्ड मैन काफी दूर थे, संपर्क में नहीं आई गेंद उनकी और नतीजा चौवे में तब्दील होता हुआ। इसी बीच टोटल स्कोर इस वक्त होता हुआ 58 रन अब तक बना पाई है सीजे ब्रदर्स। फिलहाल 75 रनों का पीछा कर रही है सीजे ब्रदर्स। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ गेंदबाज है कलीम, इस बार उठाकर खेला है गेंद, बिल्कुल रडार में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार स्टैंड में, एक और छक्का। तो ये ऐसे एक बल्लेबाज है शेलप प्रीमियर लीग में, इन्होंने शतक जड़ा था आज, उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बल्लेबाज रोहन। एक फुल टॉस और नतीजा एक बार फिर से छक्के में तब्दील होता हुआ गेंद आउट ऑफ पार्क, 6 रन डीजे। तो शुरुआत काफी अच्छी की थी यहां पर गेंदबाज कलीम ने, पहली गेंद पर विकेट मिला था उनको, महान विकेट शंकर का लेने में कामयाब हुए थे। उसके बाद थोड़े सा लाइन और लेंथ में गड़बड़ी करते हुए एक बार फिर से पॉइंट की दिशा में एक विकेट लेने के आसार, लेकिन कैच ड्रॉप और काफी नाराज होंगे यहां पर पिंटू, बिल्कुल नाराज होंगे अपने इस प्रदर्शन के, क्योंकि हाथ में आई हुई कैच छोड़ना किसी भी वक्त घातक हो सकता है। तो जीवन दान इस वक्त मिलता हुआ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल हुआ है समाप्त, टोटल स्कोर लगे हैं बोर्ड के ऊपर 70, केवल 5 रन चाहिए जीत के लिए और गेंदे बची है 6। 70 रन का सफर यहां पर तय किया है सीजे ब्रदर्स ने और घातक बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली थी शंकर के बल्ले से, जिन्होंने 35 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए किया। जिस तरह का कप्तान की पारी उनको खेलने की आवश्यकता थी, बिल्कुल उसी तरह की कप्तानी पारी यहाँ पर उन्होंने आज खेली है। उसके बाद चंदन ने 6 रनों का योगदान दिया, रूपेश ने 3 रनों का योगदान दिया है, उसके बाद ओंकार और रोहन जो कि अभी तक अच्छा खेलते हुए, दाद देनी चाहिए रोहन की, अभी तक उन्होंने 1 चौवा 1-2 छक्के जड़े हैं अपनी इनिंग में। तो जीत के लिए चाहिए 1 ओवर में 5 रन। गेंदबाज है सौरभ, SVCL के हीरो सौरभ, पहली गेंद और विजयी छटकार खींचते हुए जीत दर्ज की है यहां पर सीजे ब्रदर ने, और तारीफ करनी चाहिए यहां पर बल्लेबाज रोहन की, बिल्कुल एक विनिंग शॉट खेलकर आत्मविश्वास और खुशी से, एक तरफ खुशी झलक रही है तो एक तरफ निराशा, बिल्कुल दाद देनी चाहिए यहां पर सीजे ब्रदर्स के सभी खिलाड़ियों